वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही मजेदार से क्रिस्पी कुर्रे कुर्रे से चिकन लॉलीपॉप, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने बहुत ही मजेदार से चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए 1 किलो लॉलीपॉप ले लिया है। ये जो लॉलीपॉप होते हैं दोस्तों, जो हम लोग होटल्स में बड़े महंगे महंगे खाते हैं, बहुत आसानी से हम घर पे से बना सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से ये ऑलरेडी बने हुए कटे हुए मिलते हैं। तो होता तो ये विंग है, हमने एक आपको बताने के लिए रखा है। देखिए इस तरीके से विंग होता है। ये विंग को वो लोग यहाँ से कट कर देते हैं और कट करके इस तरीके से उसको उल्टा करके ऐसा गोल कर देते हैं। देखिए ऐसा ऐसा गोल बना देते हैं। तो इस तरीके से तैयार हो जाता है लॉलीपॉप। वैसे तो मसाला लगे हुए लॉलीपॉप भी ऑलरेडी मिलते हैं रेडीमेड, लेकिन आप वो ना लें, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम घर में इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो के करीब लॉलीपॉप ले लिया है। इसे अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद अब चलिए इसमें जल्दी से हम डालना शुरू करते हैं मैरिनेट करने के लिए मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं हसबे जायका नमक, जो कि हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून। तो चलिए नींबू इसमें चला गया। अब इसमें हम डाल देते हैं कश्मीरी रेड चिली, जो कि ज्यादा तेज नहीं होती, इससे कलर बड़ा प्यारा सा आ जाएगा, वो है 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें हम डालने वाले हैं चाइनीज नमक, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज ना डालें, लेकिन आधे चम्मच से टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाता है। इसे हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून करीब अजीनोमोटो। इसमें चला जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के करीब। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब बिल्कुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीजें इसमें चली गई। अब इसमें चला जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस जरूर डालिएगा, इससे एकदम से जायका बदल जाता है। तो हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। तो ये हो गया। अब सारी चीजों को आपको खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप जितनी देर ज्यादा रखें इसे उतना ही अच्छा है, क्योंकि सारे मसाले अंदर तक पहुंच जाते हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आधा घंटा तो बिल्कुल भी आप जरूर रखें। तो चलिए हमने इसे सब लगा दिया, इसे रख देते हैं हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, और चलते हैं और बनाते हैं इसका एक मसाला, जिसमें हम इसे डिप करके फ्राई करने वाले हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं। तो चलिए जल्दी से हम बना लेते हैं एक पेस्ट, जिसमें हम लॉलीपॉप को डिप करके फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1/2 कप हम डाल रहे हैं इसमें कॉर्न स्टार्च, 1/2 कप कॉर्न स्टार्च। आप बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं अगर लॉलीपॉप को, तो आप उसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम नमक, जो कि डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून के करीब, और इसमें जाएगी कश्मीरी रेड चिली, ताकि खूब प्यारा सा कलर आ जाए। तो 2 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें कश्मीरी रेड चिली, और इसमें जाएगा रेड फूड कलर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन जब हम होटल्स वगैरह में खाते हैं तो बिल्कुल लाल लाल दिखता है लॉलीपॉप, तो इसीलिए हम डाल रहे हैं बस 1 पिंच के करीब, जरा सा लिया है हमने, देख आप देख सकते हैं। तो ये रेड फूड कलर। सारी चीजें चली गई, अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे हम बाद में पानी डालेंगे। आपको पानी डाल के इसे इतना पतला करना है कि ना ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा गाढ़ा हो, इसमें अच्छे से डिप हो जाए हमारी जो लॉलीपॉप है। थोड़ा थोड़ा सा पहले डालेंगे और मिलाते जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब ये काफी गाढ़ा है, इसे थोड़ा सा और पानी जाएगा। होटल्स में जब आप खाते हैं ये लॉलीपॉप, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, क्योंकि वो लोग डबल फ्राई करते हैं।
चावल का आटा डालने से भी बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं ये, लेकिन अगर आप एक बार फ्राई करें, उसे निकाल के रख दें और फिर दूसरी बार फ्राई करें तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी कि अच्छे से ये कोट हो जाए लॉलीपॉप पे। तो ये तैयार है और आधा घंटा हो चुका है, तो बस अब जल्दी जल्दी से इसे डिप करके फ्राई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने गैस को ऑन कर दिया, उसमें हमने कढ़ाई में डाल दिया तेल और तेल हमारा गर्म हो चुका है। आप इस तरीके से स्टिक से भी इसे चेक कर सकते हैं, जब बबल्स आने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो तेल है वो अच्छे से गर्म है। तो बस अब हम इसे डिप करते जाएंगे और इसमें फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ हम चार चार ही डालेंगे ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं, नहीं तो उनकी कोटिंग उतर सकती है। तो बस इस तरीके से जब एक तरफ से अच्छी तरीके से वो हो जाए तो फिर हम उसे पलटाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और कोटिंग भी देखिए बहुत ही शानदार हुई है। तो कम से कम 1 से 2 मिनट पहले फ्राई होने दीजिए एक साइड से, ज़्यादा क्राउडेड मत करिएगा, और फिर उसके बाद इसे इस साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारे लॉलीपॉप फ्राई हो रहे हैं। अच्छे से फ्राई करिएगा ताकि गल भी जाए वो और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हो जाए। चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो चलिए ये हो गए, अब दूसरा बैच फिर से डाल देते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब एक बैच आप निकाल लेंगे तो 2 मिनट रुक जाएगा ताकि तेल जो है फिर से अपने टेम्परेचर पे, सेम फ्राई होने के टेम्परेचर पे आ जाए। ठंडा तेल होता है जब एक बार निकाल लेते हैं तो उस वक्त आप इसे मत डालिए, नहीं तो जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। इसलिए हम थोड़ी देर रुके, रुकने के बाद हमने फिर से अच्छे से गर्म कर लिया तेल को, फिर दोबारा इसमें हमने डाल दिया। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत आसानी से और बहुत आसान तरीके से बहुत ही कम मसालों के साथ हमने आपको बनाना बताया है कि आप चिकन लॉलीपॉप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और ऐसी चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं जब रोज़ा इफ्तार किया जाता है। तो दोस्तों ज़रूर बनाइएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वैसे तो हमारे यहाँ इसे ग्रीन चटनी के साथ पसंद किया जाता है, अब आपकी मर्जी है आप इसे टोमेटो सॉस के साथ खाएं या शेजवान सॉस के साथ। तो ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अंजिम्स.किचन पे। खुदा हाफिज़।